लेकिन स्पेशली कल मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, इस पर एक आउटलुक ले लेते हैं, एक आउटलुक एनबीएफसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ आज के जानकार मयूरेश जोशी बने हुए हैं। मयूरेश जी, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए, आप कैसे रीड करते हैं एफएम के अनाउंसमेंट जो पोस्ट मार्केट आज आई है, और कल के सेशन के लिए बाजार पर क्या आउटलुक है, और एनबीएफसी रियल्टी जो फोकस में रहेंगे कल के सेशन में, फिर पावर शेयर वहां पर क्या व्यू रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है? बिल्कुल। इवनिंग दीपाली जी। नहीं तो जो अनाउंसमेंट्स हुई है कल, प्रधानमंत्री साहब ने जो अनाउंसमेंट्स की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज, और जो एफएम साहिबा ने आज अनाउंसमेंट्स को एक डायरेक्शन दी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन लार्जली बिल्ट इन हो गई है। आई थिंक जो एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ के आसपास, एनबीएफसी को आपने जैसे राइटफुली कहा आई थिंक 75,000 करोड़ की जो राहत पैकेजेस अनाउंस हुई है, इवन फॉर दी डिस्कॉम्स आई थिंक जो 90,000 करोड़ पीएफसी आरईसी आई थिंक डिसबर्स करेगी अगेंस्ट रिसीवेबल्स, आई थिंक ये सारी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स गिनी जाएगी बाजार के लिए। और ये अनाउंसमेंट्स रुकी नहीं है, तो कल और परसों भी अनाउंसमेंट्स होनी है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो आई थिंक बाजार आई थिंक विद अ कीन आई देखना चाहेगा। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक जो मार्केट डायरेक्शन रहे, आई थिंक जो 3 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ कोलैटरल पीएसयू बैंक्स थोड़े आई थिंक वोलेटाइल रह सकते हैं, जो एनबीएफसी है, एमएफआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, आई थिंक दे प्रॉब्ली आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज बेनिफिट, और पावर जनरेटिंग कंपनी, क्योंकि डिस्कॉम्स आई थिंक जो आई थिंक 90,000 करोड़ डिस्बर्स होते हैं अगले कुछ हफ्तों में, आई थिंक जो जनरेटिंग कंपनीज के व्यू से जो टिपिकल एनवायरमेंट थी, आई थिंक वहां पे थोड़ी राहत मिलेगी, जिसकी वजह से आई थिंक उनकी बैलेंस शीट थोड़ी ईज आउट हो सकती है। तो चुनिंदा आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी क्षेत्र जो एग्री फोकस्ड है, और आई थिंक जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है, आई थिंक ये कल के क्षेत्र में आई थिंक बहुत जोरदार एक सेंटिमेंटल मूव दे। आपने पावर जनरेटिंग कंपनीज की बात की मयूरेश, क्विकली एक चीज और बताइए, पीएफसी आरएसी पर क्या व्यू रहेगा? 10 से 15% की तेजी लेकर ही दोनों स्टॉक्स बंद हुए हैं, जो अनाउंसमेंट आई है वो भी पॉजिटिव है, अब फर्दर आउटलुक क्या है दोनों शेयर्स पर? अगेन आई थिंक आपको ये समझना पड़ेगा कि आई थिंक जो पीएफसी को डिसबर्समेंट्स करनी है आई थिंक करोड़ के आसपास, आई थिंक दिस विल बी अगेंस्ट इसलिए उनके बैलेंस शीट पे थोड़ी इलॉन्गेटेड पोजीशन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल डेज, एक्चुअली इंक्रीजिंग द पूरे वर्किंग कैपिटल साइकिल को थोड़ा इलॉन्गेट कर सकता है और कैश फ्लो पे इंपैक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पीएफसी आरईसी को थोड़ी आई थिंक एक इलॉन्गेटेड रिसीवेबल साइकिल के हिसाब से कैश फ्लोज में आई थिंक मार झेलनी पड़ेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में। हालांकि आई थिंक जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उसमें एक बहुत सेंटिमेंटल मूव आ सकता है कल के पेपर में, सॉवरेन पावर फॉर एग्जाम्पल, अडानी पावर फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं आई थिंक सीएससी, एनटीपीसी, आई थिंक ये सारे स्टॉक शायद थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से ट्रेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्विकली मयूरेश, कल कई रिजल्ट्स आएंगे, 3 रिजल्ट्स, बायोकॉन, एस्कॉर्ट्स, मनापुरम फाइनेंस, तीनों पर आपका भी व्यू क्या है, बाय सेल होल्ड क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, आई थिंक रिजल्ट आई थिंक थोड़े मिले जुले हो सकते हैं, बट बायोकॉन और एस्कॉर्ट्स पे बिल्कुल होल्ड होना चाहिए। मनप्पुरम के आई थिंक रिजल्ट कैसे आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एईएम ग्रोथ, क्योंकि गोल्ड प्राइसिंग के हिसाब से आई थिंक वो एक बेनिफिशियल फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ एलटीवी इज एक्चुअली बीइंग बेनिफिशियल फॉर देम, बट मनप्पुरम को आई थिंक क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा मैं नतीजों के हिसाब से, बट बायोकॉन और एस्कॉर्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए रिजल्ट के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी एस्कॉर्ट्स पर और बायोकॉन पर दोनों डेफिनेटली होल्ड है, मनप्पुरम के नंबर्स देखने के बाद स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह है मयूरेश की ओर से। लेकिन अब सवालों करते हैं शामिल, पहले कॉलर हमारे साथ हैं विक्रम राठौर। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, मेरे पास मदरन सुमी है 107 क्वांटिटी पे और 123 के एवरेज प्राइस पे, और 123 के प्राइस पे, हाँ जी, और होल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं मदरसन सुमी। मदरसन सुमी मयूरेश ऊपर के लेवल्स की इनकी बाइंग है, इसीलिए इनको काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि 10 साल रख सकते हैं, क्या सजेशन होगा? क्योंकि इनका लंबा नजरिया आई थिंक बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक जो इनिशियल और इंटरिम पेन है मदरसन के लिए, जो ऑटो इंडस्ट्री लॉकडाउन से गुजर रही है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एज वेल, और उनकी जो फैक्ट्रीज अभी रिस्टार्ट हुई है, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि 26 आउट ऑफ 27 फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड, चाइना में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स का आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में असर पॉजिटिवली देखने मिलेगा। हालांकि आई थिंक जो Q1 के नतीजे होंगे वो थोड़े सॉफ्ट आने के लिए है, इसलिए आई थिंक लंबा नजरिया इसे होल्ड कर सकते हैं, बट 76 का लेवल से ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोअर फोर से जो 50 DMA है, और 110 अगर ये ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ एक बेटर नंबर देंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर जो उसका 200 DMA है, आई थिंक दैट कैन टेक द स्टॉक इन मोमेंटम जोन ऑन द हाई साइड।
ठीक है, तो होल्डिंग कीजिए, लेवल्स आपको बताया है मयूरेश ने, उन पर आप वॉच कीजिए। हिरेन है हमारे साथ राजकोट से। हिरेन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास भेल है 45 रुपीज के, एवरेज 45, मेरे 65 में लिए थे, फिर 25 में लिए, 1,000 तो 2,000 शेयर है अभी। ये नवरत्न कंपनी है, 90 रुपया बुक वैल्यू है, 3 साल पहले बोनस दिया था, हर साल डिविडेंड देती है, फिर भी क्यों नहीं चलती समझ में नहीं आता। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो डिविडेंड नहीं देती, कुछ नहीं होता, 3 अंकों में 4 अंकों में पहुंच जाती है, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। सवाल तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इनफैक्ट BHEL सरकारी कंपनी, और इनफैक्ट मयूरेश अब से 5-7 साल पहले बहुत फेवरेट स्टॉक ये होता था, लेकिन इसे निवेशकों को स्टॉक मूवमेंट के हिसाब से रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अब जब ये 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए के आसपास, इसमें काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, जिस वजह से ये स्टॉक 5 रुपए चला भी है 20 रुपए के लेवल से। अब क्या व्यू रहेगा? हाल फिलहाल में कई हाउसेस ने 40-45 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह भी दी है। इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 45 का, तो यानी इन्होंने तो और भी ऊपर के लेवल पर इन्होंने खरीदा था। अब क्या सलाह है इनके लिए? कहीं ना कहीं आई थिंक एक दिक्कतों से गुजर रही थी ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन पैरामीटर इटसेल्फ, ऑर्डर बुक को लेके, और जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल एलोंगेट हुई थी पिछले कई तिमाहियों से, इसके लिए बैलेंस शीट डिटोरेशन बिल्कुल हुआ है। स्लो मूविंग ऑर्डर से सभी ऑर्डर कैंसिल करने पड़े थे, और आई थिंक जो अभी डिसेंट डेवलपमेंट्स हम सुन रहे हैं, आई थिंक BHEL के मैनेजमेंट हैज फार और लेस ओपनड अप मोनेटाइजेशन के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एक्सेस लैंड फॉर EVs और लुकिंग एट इवन मोनेटाइजिंग दैट, जो आई थिंक फ्री कर लेगा काफी कुछ कैश उनके बैलेंस शीट के ऊपर फ्रॉम द लैंड सेल इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक निवेशक के पास आई थिंक काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, एब्सोल्युटली चीप है, नो डाउट अबाउट इट, डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है कंपनी के, इसलिए आई थिंक एक मीडियम टर्म नजरिया हो तो कुछ सेंटिमेंट के स्टॉक के साथ बिल्कुल बरकरार है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2350 में डाउन साइड पे देखना पड़ेगा, 40-50 अगर एक फास्ट स्टॉक सरपास कर देता है जो सर 200 VMA है, तो मेरे को लगता है इसका मोमेंटम और भी बरकरार रह सकता है, तो ये दो की लेवल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये स्टॉक। तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगला SMS में आया है ट्विटर पर रोहित की ओर से, भोपाल से इन्होंने सवाल भेजा है। ICICI बैंक पर इनका सवाल है, 200 शेयर है, 316 का परचेसिंग प्राइस है, लेवल्स के हिसाब से तो एंट्री इनकी सही है, लेकिन अब फर्दर आउटलुक क्या है ICICI बैंक पर मयूरेश? कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर थे आई थिंक लार्जली मार्केट ने जेस्टेट कर लिए थे, जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था मार्केट को फार और लेस पता था, निम्स 3.87 वर वन ऑफ द हाईएस्ट, GNPA's जो 5.53 पे आए थे वन ऑफ द 17 क्वार्टर लोज दैट द बैंक हैज रिपोर्टेड, तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स आर नॉट जेस्टेटेड, रिटेल लोन्स आर ऑलमोस्ट 53%, कासा रेशियो काफी स्टेबल है, तो कई पैरामीटर स्टेबल है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है कोविड को लेकर, और जो मोरेटोरियम में लोन किया ऑलमोस्ट 28-30% लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, अगली तिमाही के नतीजे आई थिंक बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक प्राइस टू बुक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सारे बैंक के लिए। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है आई थिंक Q1 नंबर्स विल बी की, पर अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है अगर उस जो लेवल पे इन्होंने बाइंग की है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। बैंक यही सजेशन है। दिल्ली से कार बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये नेस्ले के लिए, मैं 10 शेयर 17,525 में, आपने बाइंग प्राइस क्या बताया नेस्ले में दिलबाग जी? 17,525। हाँ जी, आज ही लिए हैं मैंने तो, आज वो नीचे आए कि यहाँ नीचे आ गया 5.5% गिरकर ये बंद हुआ 17,000 के आसपास की आपकी बाइंग है, तो ऊपरी स्तरों पर आपने एंट्री ली है 52-52.5 के आसपास से। आप अपना नजरिया और बताइए कितने समय के लिए इसको रखना चाहते हैं, किस नजरिए के साथ खरीदारी की आपने? ये समय जितना लग गया कोई बात नहीं है, पर ये कप्पा ठीक हो जाएगा। ठीक है मयूरेश बताइए नेस्ले कब तक सही हो सकता है, इन तीन चीज तक इनको रिटर्न मिल सकते हैं? 500 की बाइंग है, रिजल्ट के बाद ये स्टॉक टूटा, हाउसेस की ओर से जो रिपोर्ट भी आई उसके बाद भी इसमें जो मोमेंटम था वो नेगेटिव ही रहा, अब क्या सजेशन होगा इनके लिए? रख सकते हैं, मतलब समय दे सकते हैं इस निवेश को? ये बिल्कुल समय देना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत क्वालिटी स्टॉक है और हमारे कैंसलिंग मेथोडोलॉजी में आई थिंक जो क्वालिटी लीडर्स होते हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउट परफॉर्म करते हैं। आई थिंक नतीजे कल आए थे थोड़े भगदड़ को आई थिंक जमे नहीं, बट ये समझना पड़ेगा कोविड रिलेटेड इश्यूज जो थे, प्रोडक्शन लाइन्स ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रही, हालांकि आई थिंक 60-70% पर आ चुकी है, सप्लाई लाइन में कंस्ट्रेंट्स थे,
तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनका माल बन रहा था वो जा नहीं रहा था बिकॉज ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, आई थिंक वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा. और इनकी जो लीडरशिप पोजिशन है आई थिंक का, आप रेडी टू ईट फूड कहें विद मैगी और कॉफी थ्रू नेस्कैफे या किटकैट इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरीज, जो प्रोडक्ट वेरियंट उन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इनकी रीच है रूरल अर्बन और लार्जली आई थिंक अर्बन ओरिएंटेड है, इसका मतलब आई थिंक जो मार ये झेलती है काफी अदर एफएमसीजी कंपनीज रूरल स्लोडाउन की वजह से, शायद नेस्ले इतना मार नहीं झेले. क्वालिटी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा है, तो मुझे लगता है आई थिंक कोई डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके रखें, ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न डिलीवर करेगा फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म. तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, टेंशन नहीं लेनी है, लंबे समय के लिए रखना है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं, समय दीजिए इस निवेश को. अगला एसएमएस के जरिए सवाल आया है एक्सिस बैंक पर, ये सवाल हमें भेजा है भूषण ने नासिक से. सवाल है इनका कि 15 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो परचेसिंग प्राइस है वो 378 का है. बताइए मयूरेश, क्या सजेशन होगा एक्सिस बैंक पर, 378 इनका बाइंग प्राइस है. बात करें तो बता लीजिए, मुझे लगता है जो मोरेटोरियम वाले लोन हैं ऑलमोस्ट 28-30% फॉर ऑल दीज लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कैसे आई थिंक Q1 के नतीजों में तब्दीली होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ये देखना जरूरी है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ लीकेजेस. गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना. हाँ, मैंने क्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिए हुए हैं, 46 लिए हुए हैं 193.20 में. क्विस कॉर्प आपने लिया 193 पर, 180 के आसपास ये आज क्लोज हुआ है. पूछ लेते हैं मयूरेश जी से. मयूरेश जी, 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास ही इंफैक्ट अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 168 के आसपास का इसका 52 वीक लो है, तो लेवल्स के हिसाब से तो लोअर लेवल की ही है इनकी बाइंग, लेकिन अब इनको करना क्या है, रखें तो कुछ फायदा होगा क्वेस्ट कॉर्प? नहीं, थोड़ा समय देना पड़ेगा और आई थिंक इसकी अर्निंग्स प्रोफाइल काफी वीक हो चुकी है. आई थिंक इन्होंने जो लास्ट एक्विजिशन किए थे I think they were probably moving in the right direction. But cash flow improvement कैसी होगी in a situation like this? क्योंकि आप environment अगर देखें तो environment is not at all conducive in terms of either rotation of jobs or either getting new jobs. क्योंकि I think काफी कुछ चीजें बदलेंगी because of digitalization and so on. मुझे लगता है अगर rallies पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि RSI rating हमारे cash flow के profile और methodology के हिसाब से काफी weak है. दो पर सेक्टर जहाँ पे अर्निंग प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो आई थिंक फार्मा में से सिप्ला फॉर एग्जाम्पल, ईपीएस और आरएसआई रेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो आई थिंक एक स्टॉक आप चूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन ऑल्टरनेट इंडेक्स. ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है क्वेस्ट कॉर्प पर. इसके अलावा करसन गोपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से. करसन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है. नमस्कार मैडम, मेरे पास वेदांता के 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 145 और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने परचेज किया था. ठीक है, पूछ लेते हैं मयूरेश. वेदांता इनफैक्ट बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि वेदांता को लेकर अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पोस्ट डीलिस्टिंग न्यूज. इनका बाइंग प्राइस 145 का है, क्या व्यू होगा? नहीं, आपको बहुत क्लियरली डेवलपमेंट के लिए राह देखनी पड़ेगी. आई हैव टू स्टे क्लू टू द डेवलपमेंट इटसेल्फ. तीन चीजें आई थिंक, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है जो 67% है, एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है. आई थिंक ऑप्शन प्राइस डिसाइड होगी, तो आई थिंक जो भी ऑप्शन प्राइस डिसाइड होगी आई थिंक दैट विल डिटरमाइन द डिस्कवरी प्राइस, जैसे हम एनालिस्ट की भाषा में कहते हैं. तो आई थिंक अगर वो प्राइस जो भी निकलती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रमोटर्स को नहीं जचती है, तो प्रमोटर्स कैन सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव प्राइस. दूसरा, आई थिंक प्रमोटर्स विल ट्राई टू डू एन एक्विजिशन एट अ वेरी वेरी कंड्यूसिव प्राइस, क्योंकि जितना कैश फ्लो जाएगा दैट इज वन थिंग, बट जितना आई थिंक इनको थिंक आई थिंक कैश रिजर्व को आई थिंक एक्सेस करने मिलेगा, ये डिविडेंड पे आउट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स देखना चाहेंगे. तो आई थिंक जो पे आउट हुआ है इन आई थिंक अच्छा खासा हुआ इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड दैट हैज डिक्लेयर्ड, तो कहीं ना कि पे आउट आ जाएगा वेदांता के पास इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, बट क्या वैल्यू निकल के आती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हैज टू बी ऑब्जर्व. सो आई थिंक यू हैव टू ऑब्जर्व दिस स्टॉक वेरी वेरी क्लियरली. आई थिंक डेवलपमेंट से राह देखे टेक ग्लू टू CNBC आवाज, आई थिंक आवाज आपको अप टू डेट न्यूज बताते जाएगा डेवलपमेंट रिलेटेड. ठीक है, तो अपडेटेड रहिए अपने निवेश को लेकर और CNBC आवाज तो डेफिनेटली देखते रहिए ताकि आपको सही स्ट्रैटेजी लगातार मिलती रहे. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की. CNBC आवाज और NSE एक विशेष मुहिम लेकर आए हैं जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. मकसद इसका यही है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक किया जाए उनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो कि फ्रॉड में फंस जाते हैं, जो कि जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है. इनफैक्ट काफी सारे मैसेजेस आपको मिलते होंगे, काफी लोग शायद आपको ये बताते होंगे कि आप एक दिन में लाखों कमा सकते हैं.
तो आपको अगर ऐसा कोई सजेशन दे रहा है या फिर ऐसा कोई इंडिकेशन आपको कहीं से मिल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि पैसा बनता है शेयर बाजार में लेकिन सिर्फ लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएशन होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर आता है, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो एक समय में नुकसान में भी हो, लेकिन वो सिर्फ टाइम बींग के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप चुनेंगे तो आपका पैसा बाजार में जरूर बनेगा। वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में पास्ट में भी हुई है, फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बना के रखें और अपने निवेश को रेगुलरली मॉनिटर करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें। मयूरेश का भी कमेंट ले लेते हैं इस पर। मयूरेश, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना कितना जरूरी है अगर वेल्थ क्रिएशन करनी हो तो? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल राइट कहा दीपाली जी, मेरे हिसाब से आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आप बने रहते हैं तो इनकी जो लीडरशिप पोजीशन होती है, जो ये साइकिल से गुजर सकते हैं, अच्छे साइकिल बुरे साइकिल, और इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड होते हैं, ये इनको डिफ्रेंशिएट करके अन्य कंपनियों के साथ। और आपने जैसे राइटली कहा, आई थिंक अगर आपको आई थिंक सलाह लेनी है तो रजिस्टर्ड एनालिस्ट या रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर केजी में, और स्पेकुलेटिव पोजीशन में ना जाए कि इससे सुना उससे सुना। आई थिंक काम ऐसा ही करते हैं जहां पर आपके लॉन्ग टर्म पैसा बने, इधर थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। जी चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जोशी हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और सुचित चतुर्वेदी ने एक सवाल हमें भेजा है मुंबई से IRCTC पर। 100 स्टॉक्स हैं, 1031 की इनकी बाइंग है, तो अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है। हालांकि 800-850 तक ये पहुंचा था मार्केट में है मैं मयूरेश, लेकिन अच्छे मुनाफे में ये बैठे हैं, क्या सजेशन होगा IRCTC पर? एक पॉजिटिव न्यूज आ गई कि आई थिंक रेल सेवाएं चालू होगी सिलेक्टेड रूट पे, और अच्छी खासी बुकिंग इन्होंने, आई थिंक सोल बुकिंग ऑपरेटर है, अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आई थिंक लॉकडाउन की वजह से Q4 और Q1 के नतीजे में थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है, और जैसे जैसे आई थिंक ट्रेन सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी अक्रॉस डिफरेंट रूट का, आई थिंक दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन रेवेन्यू। तो मार्केट ये पता के चल रहा है कि दो क्वार्टर खराब होंगे, बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं 1270 जिसका 50 DM है, ये एक लेवल आप ऑब्जर्व कर लीजिए ऑन द बाइक। तो होल्ड करने की सलाह IRCTC बेझिझक बने रही है। सोम प्रकाश शर्मा है जयपुर से हमारे साथ, बताइए शर्मा जी क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में, गुड इवनिंग मैम, मेरे पास में 1500 रिलायंस है 800 रुपए के भाव। 1500 रिलायंस है 800 के भाव पे, तो आपको तो कंग्रेचुलेशन बनता है, क्वांटिटी भी आपके पास ठीक है और आपने 800 रुपए का एवरेज बाइंग प्राइस आपका है, तो आपकी तो निवेश की राशि ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। मयूरेश प्रॉफिट्स ले ले थोड़े या फिर रखे रिलायंस इंडस्ट्रीज? नहीं, पहले तो मुबारक निवेशक को, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेवलपमेंट हुई है रिलायंस के साथ जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पेसिफिकली एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ मोर देन 5 लाख करोड़, और जो डेवलपमेंट टोटल शेयर प्राइस से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आई थिंक नॉट जस्ट द एंटरप्राइज बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वायरलेस बिकॉज ऑफ आरपीओ इंक्रीजेस इज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मार्केट के नाम से चल रहा है कि बिकॉज ऑफ द ऑयल क्रैश पेटकेम और रिफाइनिंग का बिजनेस है, वो उस पर थोड़ी आई थिंक मार झेलनी पड़ेगी ये साल के लिए। GRM भी अच्छे खासे कम हो सकते हैं, बिल भी झेले तो भी बेटर देन सिंगापुर GRM। रिटेल Q4 में थोड़ी मार झेलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है एनुअलाइज बेसिस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा, आई थिंक दैट नॉर्मलाइजिंग। तो ये लगता है आई थिंक अच्छा निवेश किया है आपने, ऐसा वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, आपका मध्यम अवधि का मिल गया। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लंबी अवधि के लिए आप बने रहिए। डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि CNBC आवाज नेटवर्क 18 का चैनल है और नेटवर्क 18 का जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगले कॉलर हमारे साथ पारस हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। पारस जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरे पास ना सुब्रोस के शेयर है, एक लोट है मेरे पास 400 का, 170 की बाइंग है, और एक लोट है मेरे पास 350 का, 350 का 160 की बाइंग है उसकी। तो आपकी एवरेज बाइंग जो है, आपके पास टोटल शेयर 750 हो गए और जो बाइंग प्राइस है वो 165 के आसपास होगा या उसी के 164-165। ठीक है, पूछ लेते हैं मयूरेश से। मयूरेश जी बताइए, सुब्रोज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स काफी पिटे हैं ये सबको मालूम है, और सुब्रोज के साथ अच्छी बात यह है कि मारुति इनके लिए एक बड़ा क्लाइंट है। बताइए अब इनके लिए सजेशन क्या होगा इनके परचेसिंग प्राइस को देखते हुए? मारुति का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, और थोड़ी डिवर्सिफिकेशन भी देख रहा है सुब्रोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि आई थिंक जैसे सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, कहीं जो ऑटो कंपनी मार झेलेंगी, ऑटो एंसिलरी भी आई थिंक उतना ही मार झेलेंगी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। आई थिंक जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ होगी और जो कैश फ्लोज होंगे
स्टेज थोड़े धीमे होंगे ये खबर चाहिए। तो अगर लंबा एजरिया नहीं हो तो आई थिंक जो इन्होंने एवरेजिंग किया है आई थिंक 50 एरिया में एक्सपेक्टिव रीप है अराउंड 164-165 ये लेवल क्लोजली ऑब्जर्व मॉनिटर करें। अगर वॉल्यूम के साथ एक लेवल टूटती है अगर 160-165 भी टूट जाती है तो शायद ये स्टॉक लिंगर करे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ रहेगा बट ये लेवल मॉनिटर करने के लिए आपको बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ रिस्क। जी चलिए सजेशन आपको मिला है उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं सुब्रोस पर। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया मयूरेश आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू।